पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कुछ सिपाही एक बच्चे को पकड़कर एक कमरे में ले गए तथा वीर व सुजुका भी साथ चले जाते हैं और कमरे का माहौल देखकर वीर सहम जाता है। अब आगे, एक कमरे में सामग्री का धुआं है, कुछ छोटी लकड़ियां रखी है, साथ ही एक पैनी आरी, कोई वस्तु काटने के लिए लोहे का यंत्र और कुछ छोटे जीव भी है। एक कटोरी में कुछ नींबू और हरी मिर्च है। बीच में एक हवन कुंड और उसके सामने बैठने के लिए स्थान है, साथ ही एक चपटा चिकना पत्थर रखा है। पूजा की थाली जिसमें रोली, चावल और फूल मालाएं हैं। हवन कुंड के सामने आसन पर एक लंबी पतली महिला बैठी है जिसने काले कपड़े पहने हुए हैं। वो दिखने में डरावनी है। उसका नाम कामना है। आंखों में किसी चीज को पाने की ललक दिख रही है और वह मंत्रों का उच्चारण कर रही है जिससे साफ प्रतीत हो रहा है कि वह किसी देवी को मनाने की कोशिश में है। सिपाहियों का प्रवेश। साथ साथ वीर और सुजुका भी अंदर आ गए और ऐसा माहौल देखकर वीर मन में सोचता है, नहीं, ये मेरे राज्य में नहीं हो सकता। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विजय, ओम ह्रीम क्लीम चाम। सिपाही, तुम अब आए हो, बहुत समय लगाया तुमने। क्षमा चाहते हैं कि बलि के योग्य लड़का खोजने में आज थोड़ा वक्त लग गया। वासेपुर में अभी कितने लड़के बचे होंगे? महारानी जी, वासेपुर के निवासियों ने अपने बच्चों को कहीं छुपा दिया है। अब सिर्फ वही लड़के बाहर दिखते हैं जिन पर परिवार की जिम्मेदारी है। एक दिन जाकर सबको उठा लाओ और कारावास में डाल दो। जो आज्ञा महारानी जी। राम सिंह को हमारी मदद के लिए बुला कर ले आओ। सिपाही कमरे से जाने लगता है। थोड़ा जल्दी आना। जी महारानी जी। सिपाही कमरे से चला जाता है। वीर और सुजुका चुपचाप ये सब देख रहे हैं। वीर, क्या इनको हमारी आवाज भी जा सकती है? नहीं, जब हम इनसे बोलेंगे तभी आवाज जाएगी। फिर ठीक है। मैं वैसे तो बहुत बहादुर हूँ, लेकिन ये सब देखकर मन व्यथित हो रहा है। तुम दुखी मत हो वीर, जल्दी ही कोई रास्ता निकल आएगा। हाँ सुजुका, भगवान पर भरोसा है। वीर और सुजुका बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक और स्त्री कमरे में प्रवेश करती है जो साड़ी पहने हुए है, माथे पर एक बड़ी बिंदी है और गले में कुछ मालाएं हैं। अब ये कौन है? यही रुक कर देखते हैं, जरूर यहाँ कोई बड़ा रहस्य है। वीर और सुजुका एक कोने में बैठ जाते हैं। आइए किरण भाई, सब तैयार है। राम सिंह नहीं आया अभी? बस आता ही होगा। अच्छा, तो आज ये मुर्गा पकड़ा है। तभी हाथ में लोहे की कील लिए राम सिंह आ जाता है। राम सिंह ने धोती बांधी है और एक मैला सा कुर्ता है। वह सिर पर एक तौलिया लपेटा हुआ है। महारानी की जय हो। आओ और अपना स्थान लो। राम सिंह आकर हवन कुंड के पास ही बैठ जाता है और किरण बाई भी वही स्थान ले लेती है। कामना भी अपने आसन पर विराजमान हो चुकी है और मंत्रों का जाप फिर से शुरू हो चुका है। ओम नमः क्रीम क्रीम कालिकाय स्वाहा, ओम नमः क्रीम क्रीम कालिकाय स्वाहा। ये क्या बोल रही है? ये एक देवी का मंत्र है जिसका प्रयोग बड़ी तांत्रिक सिद्धि करके असीम शक्तियां प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कामना के साथ साथ बाकी सब भी यही दोहराने लगते हैं। सही समय में 10 मिनट बाकी हैं। तैयारी कीजिए। राम सिंह उस लड़के को उठाकर पत्थर की तरफ ले जाने लगता है। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। मुंह बंद रखो। मैं अपने परिवार में अकेला कमाने वाला हूँ, मेरे छोटे बहन भाई भी हैं। कृपया मुझे छोड़ दो। शोर नहीं। महारानी जी, चुप ही नहीं हो रहा है। सामने वो सुई और धागे रखे हैं, जाकर इसका मुंह सील दो। जो आज्ञा महारानी जी। राम सिंह लड़के का हाथ छोड़कर सुई और धागा लेने जाता है। थोड़ा जल्दी करो। राम सिंह धागा लेकर आ जाता है और लड़के को वापस पकड़ लेता है। वीर, कुछ करो, ये लोग उस बेचारे को इतना दुख दे रहे हैं। सुजुका, तुम जाकर राम सिंह को परेशान करो, तब तक मैं देखता हूँ कुछ। सुजुका जाती है और राम सिंह के पेट में गुदगुदी करने लगती है। राम सिंह बहुत संभलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ से लड़के का हाथ छूट जाता है
और तभी वहाँ वीर आ जाता है जो राम सिंह को धक्का देता है और सुई भी मुड़ जाती है। राम सिंह, तुमसे कितनी बार कहा है कि मदिरा पीकर यहाँ मत आया करो, लेकिन तुम मानते क्यों नहीं? बलि का समय निकला जा रहा है और तुम हो कि ये सब ड्रामा कर रहे हो। राम सिंह, तुम जानते भी हो कि तुम्हारी वजह से कितना नुकसान होता है। अब मैं भी तंग आ चुकी हूँ और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। महारानी जी, मैंने मदिरापान नहीं किया। एक तो गलती और ऊपर से झूठ बोलते हो। अब माफ भी कर दो कामनी, बलि का समय निकला जा रहा है। चलो ठीक है, अब तैयारी करो और ध्यान रहे दोबारा ऐसी गलती ना हो। राम सिंह कामनी की बात स्वीकार कर लेता है और लड़की को पत्थर के पास बिठा देता है जहाँ किरण बाई उसके ऊपर कुछ टोने टोटके करती है। लड़के के गले में नींबू मिर्ची की माला और कुछ सिंदूर उस पर डालती है। दूसरी तरफ कामिनी हवन कुंड में सामग्री डाल रही है और राम सिंह लड़के को पकड़े हुए है। साथ ही किरण बाई बलि से पहले की क्रिया पूरी कर रही है। ये तो अभी भी नहीं बचा। हाँ, हमने जो भी किया उसका कोई असर नहीं हुआ। सोचते हैं कुछ। तभी कामना की आवाज आती है। किरण बाई, लड़के को मुंह नीचे करके पत्थर पर लिटा दो और राम सिंह तुम तलवार हाथ में उठा लो। किरण बाई और राम सिंह ऐसा ही करते हैं। राम सिंह, याद रहे कि इस बार कोई गलती ना होने पाए, क्योंकि बलि का समय एक निश्चित समय होता है। यदि वो निकल गया तो हम बलि नहीं दे पाएंगे। इस बार कोई भी गलती नहीं होगी महारानी जी। वीर और सुजुका एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। सुजुका जाकर राम सिंह के पास खड़ी हो जाती है और कामना, राम सिंह और किरण बाई की नजरें सामने लगी घड़ी पर ही हैं, जिसमें किसी की सांसें खत्म होने में अब कुछ ही सेकंड्स बाकी हैं। राम सिंह तैयार? राम सिंह आरी हाथ में उठा लेता है। किरण बाई भी इसमें मदद कर रही है। राम सिंह ने आरी को जैसे ही लड़के की गर्दन पर मारना चाहा, सुजुका राम सिंह के पैर पर काट लेती है और राम सिंह एकदम चीखता है और आरी दूर जाकर पड़ती है। और फिर वीर राम सिंह की धोती पकड़ के खींचता है तो वो नीचे आ जाता है। राम सिंह धोती उठाकर वहां से भागता है। यह सब देखकर कामना अपना आपा खो बैठती है और गुस्से में अपना पैर हवन कुंड में मारती है, जिससे उसका पैर जल जाता है। मैं किसी दासी को बुलाती हूँ। नहीं नहीं, किसी को मत बुलाओ, पहले यहाँ से बाहर निकलने दो। तुम मेरी यहाँ से बाहर निकलने में मदद करो। किरण बाई कामना को सहारा देते हुए कमरे से बाहर लाती है और उस लड़के को सिपाहियों के हवाले कर देती है। किरण बाई दासी को बुलाती है और कामना को उसके कमरे में छोड़ देते हैं, जहां वह अपने असली रूप में आ जाती है। मैंने तुम्हारे लिए अभी एक सेवक को वैद्य जी को बुलाने भेजा है, तब तक तुम आराम करो। ठीक है किरण बाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन राम सिंह ने आज ठीक नहीं किया, उसको हम कभी माफ नहीं करेंगे। अब तुम अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत दो और अभी आराम करो। ठीक है किरण बाई, लेकिन अब आगे क्या होगा? हमें बहुत तकलीफ हो रही है, ये वैद्य जी भी अभी तक नहीं आए हैं। धैर्य रखो, आते ही होंगे। तभी दरवाजा खुलता है और कामना व किरण बाई दरवाजे की ओर देखते हैं, लेकिन ये क्या, दरवाजे पर वैद्य जी नहीं है। वैद्य जी? परंतु दरवाजे पर तो कोई नहीं है। मैं उठकर देखती हूँ। किरण बाई दरवाजे पर जाती है लेकिन वहाँ कोई नहीं दिखता और वह इधर उधर देखने लगती है। किरण बाई, कोई है क्या? नहीं, मुझे तो कोई नहीं दिखा। वैद्य जी क्यों नहीं आए अभी? मैं फिर से किसी को भेजती हूँ। लेकिन ये दरवाजा किसने खोला? कहीं कोई तांत्रिक शक्ति तो नहीं? तभी वैद्य जी आ जाते हैं। वीर और सुजुका भी कमरे में एक तरफ बैठकर सब देख रहे हैं। हम यहीं बैठकर देखते हैं कि सारा माजरा क्या है, उसके बाद देखेंगे कि आगे क्या करना है। शायद वैद्य जी से कोई जानकारी मिल सकती है। देखने में तो भले आदमी लगते हैं। वैद्य जी, जल्दी से कोई उपचार करिए, हमें बहुत तकलीफ हो रही है। ये जड़ी बूटी है, इसको पीस कर लेप बनाकर महारानी जी को लगा दो। दासी कामना को लेप लगा देती है। कुछ समय में आपको आराम लग जाएगा, यदि कोई परेशानी हुई तो मैं फिर से आ जाऊंगा, लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ। वैद्य जी, आप दोबारा बुलाने पर जल्दी ही आ जाना,
किसी काम की देरी महारानी जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आज तक आपका कोई आदेश टाला है क्या? वैद्य जी बाहर जाने लगते हैं और साथ साथ वीर सुजुका भी उनके पीछे जाने लगते हैं। गांव के बाहर सूखे जंगल में एक प्राचीन शिव मंदिर है जो अब लगभग खंडर का रूप ले चुका है। वहां कोई आता जाता नहीं है। वैद्य जी उसी खंडर में पहुंच जाते हैं और वहां जमीन पर बिखरे कुछ घास फूस पत्तों को अलग हटाते हैं। वीर और सुजुका भी उनके पीछे ही है। वीर, हम वापस महल चलते हैं। वैद्य जी तो मंदिर की साफ सफाई कर रहे हैं। वो एक वैद्य जी हैं और वो खंडर बन चुके मंदिर को साफ क्यों करेंगे? इसका मतलब हमें यहाँ कुछ मिलने वाला है। हाँ बिल्कुल, हमें वैद्य जी का पीछा करना होगा। दूसरी तरफ हमें महल में किसी के होने की आशंका लग रही है। क्षमा चाहता हूँ लेकिन हमारी नजर में तो अभी कोई आया नहीं है, परंतु हमें सूचना मिली है। मैं जल्द से जल्द पता लगा कर उसे आपके सामने पेश करूंगा। ठीक है, लेकिन ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए और रतन सिंह ने रानी रूपवती और उस तलवार को कहां छिपाया है जल्दी से इसका पता लगाओ। हजारों प्रताड़नाओं के बाद भी रतन सिंह अपना मुंह नहीं खोल रहा है। रतन सिंह के करीबी रहे लोगों को ले आओ। चाहे जो हो जाए, हमें वो तलवार और रानी रूपवती चाहिए ही चाहिए। ठीक है राजकुमार जी, ठीक है। राजकुमार चला जाता है। वहीं कामना और किरण बाई भी अब तक खुद ही दरवाजा खोलने को लेकर परेशान हैं। किरण बाई, वो दरवाजा किसने खोला? महारानी साहिबा, आप आराम कीजिए। हम उसको लेकर थोड़ा परेशान है कि उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। महारानी जी, हम आपसे कितनी बार बोल चुके हैं कि अभी आप आराम कर लीजिए, इन बातों पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। ठीक है, मैं सोने की कोशिश करती हूँ, लेकिन हमारे पैर का दर्द और पूजा के खंडित होने की पीड़ा हमें सोने नहीं दे रही है। आप सब बातों को भूलकर एक बार कोशिश तो करिए। ठीक है, लेकिन तुम भी हमारे पास ही रुक जाओ। कामना सो जाती है, किरण बाई देखभाल के लिए वहीं रुक जाती है। वैद्य जी जमीन को साफ कर रहे हैं। वह सभी पत्तों को उठाकर एक तरफ रख देते हैं और फिर एक बड़ा सा पत्थर हटाकर अलग रख देते हैं। ओह, तो ये रहस्य था। गुफा, पत्थर के पीछे एक गुफा है जहाँ बहुत अंधेरा है। वैद्य जी एक मशाल जलाकर आगे बढ़ते हैं। वीर, मुझे लगता है कि हमें माता पिता को बचाने वापस महल चलना चाहिए। लेकिन वैद्य जी को छोड़कर? ये भी तो हो सकता है कि वैद्य जी ने वासेपुर के राजा से डरकर यहाँ अपने परिवार को छुपाया हो। सुजुका, वासेपुर के राजा सिर्फ मेरे पिता हैं, उनके अलावा कोई यहाँ का राजा नहीं हो सकता। कोई लुटेरा क्रूर तो हो सकता है, लेकिन वासेपुर को जिंदगी मानने वाला राजा नहीं हो सकता। ठीक है वीर, पहले हम गुफा में चलते हैं। इस गुफा का निर्माण पत्थर को काट कर किया गया है जिसका आकार बहुत छोटा है। अंदर रोशनी के लिए दो दीपक रखे हुए हैं। एक तरफ पानी का मटका है, थोड़ा बहुत कुछ खाने का सामान रखा है और एक और बड़ा सा पत्थर एक तरफ पड़ा हुआ है। वैद्य जी गुफा में चले जाते हैं और वीर और सुजुका भी जाकर खड़े हो जाते हैं। वीर, मैं बोल रही थी ना कि यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन तुम मानते ही नहीं हो। हाँ, लेकिन मुझे लगा था कि यहाँ कुछ है। तो अब वापस चले। रुको सुजुका, अब हमारे पास मौका है, वैद्य जी से बात करके चलेंगे, हैं? ओ हाँ, क्यों ना वैद्य जी को भूत बनकर डराएं? ओ आहा, मजा आएगा, करके देखते हैं चलो। सुजुका और वीर बिना सामने आए वैद्य जी को डराने के लिए आपस में ही बातें कर रहे हैं। मुझे बहुत भूख लगी है। वैद्य जी डर कर बैठ जाते हैं। कौन है, कौन है वहाँ? सच में ही तेज भूख लगी है मुझे। यहाँ खाने के लिए भी तो कुछ नहीं मिल रहा। अरे बहुत बुद्धू हो तुम। अच्छा तो बताओ, तुम्हें यहाँ क्या दिख रहा है जिसे मैं खा लूं? ये व्यक्ति नहीं दिख रहा क्या तुम्हें? हाँ, ये तो बहुत स्वादिष्ट है,
चलो खाते हैं। नहीं मुझे मत खाओ, कौन हो तुम? मुझे बहुत डर लग रहा है। वीर और सुजुका हंसने लगते हैं। वैद्य जी हाथ जोड़ते हुए प्रार्थना करते हैं। मुझे आज तक राजा की तलवार से डर नहीं लगा, लेकिन भूत से मैं हमेशा डरते आया हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। क्या झूठ बोला मैंने? तुम्हें राजा की तलवार से डर लगता है। नहीं मैं किसी से नहीं डरता। तो यहाँ क्या कर रहे हो? डरते हो इसीलिए तो यहाँ हो। इसके पीछे और बहुत कारण है। ठीक है हम आपको छोड़ देंगे, लेकिन वो कारण बता दीजिए या फिर वासेपुर के बारे में कुछ बता दीजिए। वासेपुर का कोई भी व्यक्ति अपना मुंह नहीं खोलेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। बताइए। वासेपुर बहुत खुशहाल राज्य था। यहाँ के राजा रतन सिंह बहुत अच्छे थे, सदैव अपनी प्रजा का ख्याल रखते थे। लेकिन एक दिन वासेपुर के पास एक सुंदर खुशहाल और छोटा राज्य रामनगर है। रामनगर के राजा को मानसिंह ने मार दिया। हमने रामनगर को जीत लिया है, अब हमारा लक्ष्य वासेपुर है, जिसे हम जल्दी ही प्राप्त करेंगे। राजा मानसिंह ने अपनी प्रजा और सैनिकों को जीत के जश्न में इकट्ठा किया, साथ ही उसका परिवार भी बैठा है। सभी लोग विजय भव के नारे लगाने लगते हैं। राजा मानसिंह वासेपुर को जीतने का ऐलान कर देता है। सैनिकों हम जल्दी ही वासेपुर हमला करेंगे, तैयारियां शुरू की जाएं। फिर उसके बाद क्या हुआ? बस वही जो नहीं होना चाहिए था। क्या? वासेपुर तबाह हो गया, अब हम अपने असली रूप में चल रहे हैं। वीर और सुजुका वैद्य के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तुम दोनों बच्चों ने मुझे डराया। वैद्य जी हमने आपको सिर्फ मजाक में डराया, लेकिन वासेपुर का सच जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं सारा बताऊंगा, लेकिन तुम दोनों कौन हो और यहाँ कैसे पहुँचे? हम बच्चे ही हैं। भूत तो नहीं हो? आप विश्वास कीजिए। राजा मानसिंह के जासूस तो नहीं हो तुम? मैं राजा रतन सिंह का पुत्र वीर हूँ और राजा मानसिंह का सर्वनाश करने आया हूँ। तभी पत्थर में से रोते हुए आवाज आती है, वीर। वीर पीछे मुड़कर देखता है। कौन है वहाँ और वो क्यों रो रही है? तुम ही वीर हो, राजा रतन सिंह के पुत्र? हाँ मैं ही वीर हूँ, लेकिन उस पत्थर में से रोने की आवाज किसकी है? बैठो मैं अब तुम्हें सब सच बताता हूँ। वीर और सुजुका वहीं बैठ गए हैं। जब राजा मानसिंह ने वासेपुर पर हमला किया और महल के अंदर कब्जा करना शुरू किया, तो राजा मानसिंह की नज़र रानी रूपवती पर पड़ी और खतरे की आशंका करते हुए मैंने रानी को यहाँ लाकर छुपा दिया। कहाँ? तभी पत्थर के पीछे से रानी निकलकर आ जाती है। वीर ये देखकर खड़ा हो जाता है। माँ! रानी रूपवती वीर को देखकर रोने लगती है और कुछ नहीं बोल पाती है, और वीर अपनी माँ के गले से लिपट जाता है। कहाँ चला गया था बेटा? वीर कुछ बता पाता, लेकिन उससे पहले ही दरवाजे पर किसी और ने दस्तक दी। वीर, सुजुका और वैजी सभी एक दूसरे की ओर देखते हैं कि अब यहाँ कौन आ गया। तभी गुफा के दरवाजे से एक अजीब सा प्राणी, जो देखने में किसी लोहे के आदमी जैसा है, जिसमें शरीर के सभी अंग स्पष्ट नहीं है, आंखें बटन के जैसी और काले रंग की है और शरीर का रंग सिल्वर है, गुफा में प्रवेश करता है। ये कौन आ गया? तो बहुत डरावना है। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए हो? वह अजीब प्राणी अपनी आंखें टिमटिमाता है। ये कोई जंगली जंतु तो नहीं है जो रास्ता भटक कर यहाँ आ गया है? ठीक है मैं इसे बाहर छोड़ देता हूँ। वैद्य जी उस अजीब प्राणी को बाहर छोड़ने के लिए जैसे ही उसे हाथ लगाने की कोशिश करते हैं, वैद्य जी को एक बिजली के जैसा करंट लगता है और वो दूर जाकर गिरते हैं। दूसरी तरफ हमें जो सूचना मिली है वो 100% सही है, इस महल में जरूर कोई आया हुआ है। पूरे महल में शक्ति पहरा लगवा दिया है, इस बार वो जरूर पकड़ा जाएगा। सभी सिपाही हाथों में तलवार लिए इधर से उधर घूम रहे हैं। गुफा में बिजली के जैसा करंट, कौन है ये? तभी वह प्राणी बोल उठता है। वीर मैं तुम्हें बहुत दूर से ढूंढता हुआ आया हूँ और मेरा नाम तबाकी है। तबाकी?
कौन था बाकी? मैं तो तुम्हें नहीं जानता। मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ। तुम मंजिल के रास्ते में से ही वापस भटक आए। तुम्हें एक बार वहाँ आना तो चाहिए था। मेरे स्वप्न में? हाँ, तुम्हारे स्वप्न में। हमारी दुनिया के ही बादशाह की बेटी आती है, वो वहाँ की राजकुमारी है और मुझे बादशाह ने तुम्हें लेने भेजा है। मैं भी वहीं जा रहा था, लेकिन मेरे नगर राज्य वासेपुर की स्थिति भयावह है, इसीलिए मैं वापस यहाँ आ गया। मुझे सब कुछ पता है। तुम जल्दी से इसको सुलझाओ और अपनी मंजिल की ओर बढ़ो। वासेपुर में मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है, हम जल्दी से महल में चलते हैं। वीर, तू अभी अभी तो इतने दिनों बाद मिला है, क्या अब फिर से बिछड़ जाएगा? नहीं माँ, मैं वासेपुर को वापस खुशहाल बनाना चाहता हूँ। वीर, सुसुका और तबाकी तीनों महल चले जाते हैं। हमें फिर से अदृश्य होना होगा। ठीक है, लेकिन हम किस तरफ चलेंगे? सबसे पहले बच्चों को छुड़ाना होगा। तीनों अदृश्य होकर बच्चों के कैद खाने में चले जाते हैं, लेकिन वहाँ किरण बाई पहले से ही सिपाहियों के साथ पहरा दे रही है। तुम आजकल कुछ भी नजर नहीं रखते हो, इसलिए मुझे यहाँ आकर खड़ा होना पड़ रहा है। एक जेल है जिसमें वासेपुर के बच्चे कैद हैं। बाहर दो सिपाही खड़े हैं और साथ में किरण बाई है। तबाकी दोनों सिपाहियों को अपने हाथ में उठाकर मार देता है और किरण बाई जैसे ही पीछे मुड़ती है, वीर और सुजुका किरण बाई का अपहरण कर लेते हैं और तबाकी सभी बच्चों को उठाकर सुरक्षित छोड़ आता है और किरण बाई को एक जगह ले जाता है। सच सच बताओ कि तुमने बच्चों को कैद क्यों किया? किरण बाई सब कुछ सच बता देती है और वीर अपना चाकू निकालकर उसके पेट में मार देता है। किरण बाई की वही मौत हो जाती है। अब सबसे पहले उस तंत्र विद्या का विनाश करते हैं। वीर, सुजुका और तबाकी तीनों तंत्र विद्या के कमरे में पहुंच जाते हैं जहां कामना पहले से ही बैठी है। तुम अब तक अंदर क्यों नहीं आई हो किरण बाई? अंदर तो तेरी अब मौत आई है। कामना खड़ी हो जाती है। कौन कौन? एक बार का समझ नहीं आता क्या? अभी कहा तो है कि तेरी मौत। वीर कमरे में बने तंत्र मंत्र के आयोजन को जड़ से उखाड़ फेंकता है और महल में इस तरह तंत्र विद्या की समाप्ति हो गई। सुजुका कामना में एक तलवार फेंक कर मारती है और कामना वही तड़प तड़प कर मर जाती है। वजीर ने ये सब देखा तो महल में कोहराम मच गया कि जरूर बाहर से कोई आया था। चलो अब तुम्हारे पिताजी को खोजते हैं वीर। वीर, सुजुका और तबाकी जा ही रहे होते हैं कि तभी उनकी नज़र एक जेल पर पड़ती है। पिताजी! वीर जेल में रतन सिंह को छुड़ा पाता, लेकिन उससे पहले ही वहाँ राजकुमार आ जाता है। वीर अपनी तलवार निकालता है, लेकिन तबाकी उसे रोक देता है। रुको वीर, पहले देखते हैं कि यहाँ की हालत क्या है। अभी हम तीनों अदृश्य रहकर इनकी बात सुनेंगे। महल में कोहराम मचा हुआ है, जरूर कोई रतन सिंह तक पहुंचना चाहेगा, इसीलिए यहाँ अधिक सेना तैनात कर दो। तभी एक दास दौड़ कर आता है। राजा साहब कुछ लोगों और धन के साथ वासेपुर से भाग गए हैं। तुम सच कह रहे हो ना? जी। राजकुमार यह सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है और अपनी तलवार निकालकर रतन सिंह को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वीर राजकुमार के सामने खड़ा हो जाता है और अपनी तलवार से राजकुमार से लड़ाई करता है। कुछ और अन्य सैनिक दौड़ कर आते हैं और उनको देखकर फिर तबाकी भी सामने आ जाता है और जब सैनिक तबाकी को तलवार मारते हैं तो करंट के कारण उनकी खुद ही मौत हो जाती है। वीर और राजकुमार दोनों आपस में तलवार से लड़ रहे हैं और तभी तबाकी बीच में पहुंच जाता है और राजकुमार को मारने लगता है। राजा रतन सिंह ये देखकर हैरान है। वीर तलवार ऊपर उठाता है और राजकुमार को मार देता है। यह देखकर अन्य सैनिक व दास वहां से भाग जाते हैं। वीर रतन सिंह को बाहर निकालता है और अपने चेहरे से मास्क उतारता है और रतन सिंह वीर को पहचान लेता है। वीर, तुम कहां चले गए थे मेरे बच्चे? अब आ गया हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। इस दुष्ट लुटेरे ने शायद तेरी माँ को भी मार दिया है। नहीं, माँ जिंदा है, असुरक्षित है। तबाकी जाकर रानी रूपवती और वैद्य जी को ले आता है। राजा रतन सिंह का इलाज किया जाता है और वासेपुर की स्थिति भी अब सुधरने लगी है। हमें निश्चित होकर नहीं बैठना चाहिए, मानसिंह बहुत दुष्ट है,
वो हमारे हंसते खेलते वासेपुर को नष्ट करने जरूर आएगा। इस बार बचकर नहीं जा पाएगा। वीर, ये कौन है? ये दोनों मेरे दोस्त हैं और इन्होंने मेरी बहुत मदद की है। फिर एक सुबह 10 साल बाद वीर, सुजुका और तबाकी का वासेपुर में मन लग गया और वह भूल गए कि उन्हें कहाँ जाना है। फिर वीर, सुजुका और तबाकी तीनों को ही सपना आता है और तीनों अपने अपने सपने को एक दूसरे से बताते हैं। मुझे फिर से आज वही सपना आया और वही राजकुमारी दिखी। सपना तो मुझे भी आया था, लेकिन राजकुमारी नहीं, उसका पिता बादशाह दिखा जो मुझे बुला रहा है। मुझे भी मेरे मम्मी पापा को वापस लाना है। वीर, हम कहाँ फंस कर रह गए हैं? वीर, सुजुका और तबाकी तीनों उठकर बाहर आते हैं और राजा रतन सिंह और रानी रूपवती को ये बात बताते हैं। रानी रूपवती जाने के लिए मना कर रही है। वीर, तुम अब कहीं मत जाओ। माँ, जरूरत पड़ने पर मैं आया था ना, अभी मुझे मेरी मंजिल पर जाने दो। मैं वादा करता हूँ कि वापस आऊँगा। वीर अपने माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। एक कश्ती आसमान से धीरे धीरे नीचे उतर रही है, वह आकर जमीन पर रुक जाती है। वीर, सुजुका, तबाकी उसमें बैठ जाते हैं। तभी रानी आवाज देकर पूछती है कि तुम जा कहाँ रहे हो? उसका कोई पता तो होगा, कोई तो नाम होगा, वो तो बता दो वीर। अजब गजब दुनिया। कश्ती आकाश में उड़ ही रही होती है कि तभी सामने से एविल आकर खड़ी हो जाती है। एक छोटा सा बच्चा अब बड़ा राजकुमार बन गया है। वीर एविल को पहचान नहीं पाता है। कौन हो तुम? अब तुम मुझे पहचान भी नहीं पा रहे हो। मैं एविल हूँ। एविल? वीर, तुम यहाँ से तभी वासेपुर जा सकते हो जब तुम यहाँ अपनी जगह किसी को कैद करके जाओगे। आप अपनी जादुई शक्ति से वीर को इस दुनिया से निकाल कर वासेपुर भेजिए। मैं तब तक वीर की जगह यहाँ रहूँगी। मैं ऐसा ही कर दूंगा, लेकिन तुम वीर के वापस आने तक यहाँ कैद रहोगी। स्वीकार है। मुझे माफ कर दो एविल, मैं तो वहाँ जाकर भूल ही गया था। वीर, तबाकी, सुजुका तीनों एविल के साथ जाते हैं और उसे शाप से मुक्ति दिलाकर वापस अपनी दुनिया की ओर बढ़ते हैं। ऊबड़ खाबड़ जमीन है जिस पर पैर रखने के बाद हवा में उड़ना भी आसान है। यहाँ दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ मिट्टी का रंग पीला या लाल नहीं है बल्कि काला है। यहाँ पर सभी अजीब प्राणी है जो दिखने में लोहे की मशीन जैसे है। ये कैसी दुनिया है वीर, और तुम्हें यहाँ क्या काम हो सकता है? ये अजब गजब दुनिया है सुजुका, मेरे सपनों की दुनिया। वीर, तबाकी और सुजुका तीनों अंदर जाते हैं और कुछ अजीब प्राणी उनका अपने अलग ही अंदाज में स्वागत कर रहे हैं। वीर और सुजुका अजीब प्राणियों की अजीब सी हरकतों से परेशान होकर पीछे हट रहे हैं। तबाकी उन्हें हाथ पकड़कर आगे ले जाता है। आओ वीर, हमारी दुनिया में आपका स्वागत है। ये कैसी दुनिया है? आपके यहाँ से कुछ अलग है, लेकिन यहाँ के लोग भी प्यार करना जानते हैं। अब आए हैं तो देखेंगे तुम्हारी दुनिया और उस परी को भी जो यहाँ तक खींच कर लाई है हमें। हाँ हाँ, जरूर, चलो अब तो मैं उसके महल लेकर चलता हूँ। तीनों आगे चल देते हैं और देखते हैं एक महल है जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है, परंतु वह हवा में टिका हुआ है। ओह, ये क्या ऐसे ही घर होते हैं? हाँ, और ये महल तो हवा में उड़ रहा है। वीर, शायद यहाँ भी कोई जादू है। तुम दोनों अंदर तो चलो। ये महल तो हवा में है, तो हम इसके अंदर कैसे जाएंगे? लगता है तुम सब कुछ भूल गए हो वीर, हम उड़कर भी तो जा सकते हैं। ओह हाँ, याद आया। वीर, तबाकी और सुजुका तीनों महल में प्रवेश कर जाते हैं। महल अंदर से भी पूरा अलग है और बाहर जितना ऊबड़ खाबड़ है अंदर उतना खूबसूरत है। महल के अंदर बोलने से रोशनी होती है, चिल्लाने से आग लग जाती है और फिर हंसने से आँख शांत हो जाती है। और भी ऐसे अनेक रहस्य यहाँ छुपे हुए हैं। तबाकी, बहुत दिनों बाद वापस आए हो। हाँ, और अब तुम जाकर बादशाह शाहू को खबर कर दो। एलियंस की दुनिया का बादशाह शाहू परियों के साथ नाच रहा है। तभी वहाँ एक व्यक्ति जाता है और बताता है कि बाहर तबाकी आया है और साथ में एक नव युवक है
जो दिखने में हष्ट पुष्ट और सुंदर है, जिसके बाल लंबे हैं, जो पीछे की ओर पड़े हैं। उसने एक शाही पोशाक पहनी हुई है और उसके साथ एक खूबसूरत कन्या भी है। कन्या, कहीं उसने शादी तो नहीं की? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, अभी शादी नहीं हुई है, शायद वो उसकी दोस्त होगी। शाहू बाहर आता है तो देखता है कि तबाकी सुजुका और वीर के साथ खड़ा है। शाहू दिखने में तबाकी के जैसा है और पत्थर के एक आसन पर आकर बैठ जाता है। वीर को तो हम जानते हैं, लेकिन ये लड़की कौन है? ये वीर की दोस्त सुजुका है और इस यात्रा में वीर के साथ रहेगी। हमारे महल में एक लड़की है जिसको तुम्हारी भाषा आती है और उससे हमने तुम्हारी भाषा को सीखा है। कौन लड़की है? वही लड़की जिसके पीछे तुम यहाँ तक आए हो। मुझे उसके पास जाना है। हमें तुम्हारा वर्षों से इंतजार था, लेकिन तुम अभी वहाँ नहीं जा सकते। तुमने यहाँ तक आकर एक पड़ाव तो पार कर दिया है, अब तुमको दूसरा पड़ाव पार करना होगा और वापस अकेले घूमकर मेरे पास यही आना होगा। अगर तुम जिंदा वापस आए तो ओलिविया से मिल सकते हो, अन्यथा कोई बात ही नहीं है, लेकिन तुम्हें जिंदा आना होगा। मैं सुजुका को साथ ले जाना चाहता हूँ और अपनी ओलिविया के लिए वापस आऊँगा। तबाकी, तुम यहीं रहो और वीर को यहाँ से नीचे फेंक दो। तभी जादू से वीर और सुजुका के नीचे से एक ढक्कन खुलता है और दोनों नीचे चले जाते हैं। सुजुका नीचे जाने में डर रही है, लेकिन वो एक बहुत ऊंचाई से नीचे गिरते हुए चले जा रहे हैं। वहाँ बहुत अंधेरा है। कुछ मिनटों बाद दोनों एक जमीन पर जा गिरते हैं। वीर, ये क्या पागलपन है? तुम घबराओ मत सुजुका, मुझे कुछ नहीं होगा। तो क्यों तुम ऐसी चुनौती ले रहे हो? मुझे तो सच में ही कुछ समझ नहीं आ रहा। अब गुस्सा छोड़ो और यहीं पेड़ के नीचे सो जाओ। दोनों पेड़ के नीचे सो जाते हैं। वीर को एक स्वप्न दिखता है और वह अचानक से उठता है। सुजुका भी उठ जाती है। क्या हुआ वीर? मुझे फिर वही स्वप्न दिखा और उसमें ओलिविया मुझे बुला रही है। सुजुका वीर की तरफ गुस्से से देखती है और बिना कुछ बोले ही वहाँ से उठकर चली जाती है। वीर सुजुका को बुलाता है, लेकिन वो वीर की कोई बात नहीं सुनती। सुजुका, मेरी बात तो सुनो, तुम तो ऐसे ही गुस्सा हो रही हो। सुजुका कुछ नहीं बोलती और चुप रहती है। सुजुका, ये मात्र मेरे जीवन का उद्देश्य है और इस रहस्य को मैं बचपन से जानना चाहता हूँ, इसीलिए सारी चुनौतियों का सामना कर रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम विश्वास करो और ये गुस्सा छोड़ दो। सुजुका अभी भी वीर की कोई बात नहीं सुनती है, तो वीर ही सुजुका के पास जाने लगता है। सुजुका थोड़ी सी दूरी पर जाकर मुंह फेर कर खड़ी हो गई है। वीर सुजुका को बोलते हुए आगे बढ़ रहा है कि तभी उसे महसूस होता है कि वह आग से जल रहा है। वीर रुक कर नीचे देखता है तो उसके पैरों के नीचे आग के अंगारे होते हैं, जो बिल्कुल लाल हैं और उनसे बहुत आग निकल रही है। वीर की आवाज़ सुनकर सुजुका भी पीछे मुड़कर देखती है। वीर, पीछे जाओ, पीछे जाओ। वीर कुछ भी नहीं सुनता और सुजुका की ओर चलने लगता है। अब तो गुस्सा नहीं हो तुम? तो मनाने का ये कौन सा तरीका है? अरे तो रास्ते में वो मैंने नहीं फैलाया, वो तो पहले से ही वहाँ था। सुजुका वीर के पाँव देखती है तो वह बहुत जल गए हैं। पास में ही एक नदी बह रही है। यहाँ कोई औषधि भी तो नहीं है जिसे लगाया जा सके? ये नदी है ना, मैं इसमें ही कुछ समय तक पैर डुबो कर बैठ जाता हूँ। ज्यादा कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। ओलिविया के मिलने के बाद तुम मुझसे? अरे तुम पागल हो क्या, ऐसा कुछ नहीं होगा। वीर पानी में पैर डुबो कर बैठा है, तभी वीर को अपने पैर किसी चीज से जकड़े हुए लगते हैं। वीर सुजुका को कुछ नहीं बताता और अपने पैर ऊपर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन पैर ऊपर भी नहीं उठ पाते। सुजुका वीर को परेशान होते हुए देखती है। वीर, सब ठीक है ना? मेरे पैर ऊपर नहीं उठ पा रहे, लग रहा है कि किसी रस्सी से बंधे हैं। सुजुका वीर के पैरों की तरफ देखती है तो एकदम से सुजुका की चीख निकल जाती है। वीर, वीर, ये तुम्हारे पैरों को किसने बांधा है?
लगता है शायद कोई रस्सी मेरे पैरों को बांध रही है। ये कोई रस्सी नहीं है वीर, ध्यान से देखो, एक बड़े मगरमच्छ की जीप है जो कि बहुत लंबी है। मगरमच्छ? और यहाँ? वीर तुम जल्दी से इससे बचने की कोशिश करो, मुझे तो ये कोई जादुई मगरमच्छ लगता है। वीर अपने पैर ऊपर खींचता है लेकिन उसके पैर ऊपर नहीं आ पाते और मगरमच्छ वीर को निगलने लगता है। सुजुका पहले वीर को बाहर खींचती है और फिर मगरमच्छ के ऊपर एक बड़ा पत्थर फेंक देती है, लेकिन फिर भी मगरमच्छ ने वीर को नहीं छोड़ा है। सुजुका इस बार बहुत बड़ा पत्थर लाती है और मगरमच्छ के पेट पर मारती है। मगरमच्छ का मुंह खुल गया और वीर के पैर छूट गए। वीर मगरमच्छ की गिरफ्त से छूट गया। वो मगरमच्छ एक चुड़ैल में बदल जाता है और चुड़ैल पानी में खड़ी होकर हंसने लगती है। वीर, ये तो कोई चुड़ैल है। हाँ, मैं यहाँ की रानी हूँ। चुड़ैल और रानी? मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल जोर जोर से हंसती है। हमने आपका क्या बिगाड़ा है? आप हमारे साथ ऐसा क्यों करना चाहती हो? मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुम सच में ही पागल हो? ए पागल लड़की, मैं सिर्फ तुमको ही खत्म करूँगी। वीर को सुझाव आता है और वह सुजुका की ओर देखता है। सुजुका भी गर्दन हिलाकर उसे हाँ में जवाब देती है। वीर जादू से चुड़ैल को बोतल में बंद कर लेता है और वीर और सुजुका आगे बढ़ते हैं। वैसे वीर, शादी के लिए ये चुड़ैल सही है तुम्हें, इससे शादी कर लेनी चाहिए थी। हाँ, इसीलिए ही मैंने इस चुड़ैल को बोतल में बंद किया है, अब मैं इसे वासेपुर ले जाऊंगा। हाँ, ये बहुत सही किया, तुम्हारे साथ ये बहुत अच्छी लगेगी। सुजुका, तुमको मैं किसी राक्षस को दे दूंगा कि सुजुका से शादी कर लो। मुझसे तो राक्षस भी डर कर भाग जाए। ओह, तो मैं किसी राक्षस को अभी बुलाता हूँ। ठीक है, बुलाओ, देखते हैं, अगर डर कर ना भाग जाए तो कहना। भगवान जी प्लीज, कोई राक्षस जल्दी से भेज दो, इस सुंदर कन्या की शादी राक्षस से करानी है। अभी कोई राक्षस बना ही नहीं जो मेरे सामने रुक सके। वीर और सुजुका ऐसे बात करते हुए जा रहे हैं। पास में ही एक गुफा है जिसमें दो राक्षस हैं, जिनके नाम काले और पीले हैं, जो दिखने में बहुत डरावने हैं। वह वीर और सुजुका की बातें सुन रहे हैं। पीले, मुझे तो लगता है कि आज हमारी लॉटरी लग गई है। हाँ काले, सही कह रहा है तू, एक सुंदर कन्या और वो भी इस जंगल में। हाँ, इस बात पर तो मुझे भी विश्वास नहीं होता, शादी के लिए कोई राक्षस भी ढूंढ रही है, वाह बहुत बढ़िया। हाँ, इससे शादी तो मैं ही करूँगा। काले बाहर जाने लगता है और पीले भी उसके पीछे आता है। दोनों राक्षस अचानक से आकर वीर और सुजुका के सामने खड़े हो जाते हैं। वीर और सुजुका भी चलते चलते रुक जाते हैं। तुमने भगवान जी से प्रार्थना की और भगवान जी ने मुझे भेज दिया। सुजुका डर जाती है और वीर को पकड़ लेती है। वाह वाह, क्या बात है सुजुका, तुम्हारी इच्छा तो जल्दी ही पूरी हो गई और एक बाराती भी साथ आया है। मैं कोई बाराती नहीं हूँ, इस लड़की से मैं शादी करूँगा। क्या बात है सुजुका। मुझे गुस्सा आ रहा है वीर, ये राक्षस कुछ भी बोले जा रहे हैं और तुमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तुम मेरा मजाक बना रहे हो। सुजुका दूर जाकर बैठ जाती है और रोने लगती है। सुजुका को रोते देख वीर गंभीर हो जाता है और राक्षसों से कहता है, तुम जो भी हो यहाँ से चले जाओ। ए लड़के, यहाँ से चले जाओ, मैं इस लड़की से शादी करके रहूँगा। चुप कर काले, इस लड़की की आवाज सबसे पहले मैंने सुनी थी, इससे तो मैं ही शादी करूँगा। मैं तुम दोनों से आखिरी बार कह रहा हूँ कि यहाँ से चले जाओ। काले राक्षस ने वीर को उठाकर अलग फेंक दिया और तेज तेज हंसने लगा। वीर ने भी बदले में काले पीले राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। वीर सुजुका के पास जाता है। अब तो नाराज नहीं हो सुजुका? इतने बड़े दो राक्षस से तुम्हें डर नहीं लगा? तुम बचपन से मेरे साथ हो, फिर भी ऐसे सवाल कर रही हो। हाँ, ये बात तो है। वीर, तुम्हारी बात भगवान जी ने कितनी जल्दी सुनी कि तुरंत वो राक्षस आ गए। वीर और सुजुका हंसने लगते हैं। वीर, अब हम कहाँ जा रहे हैं?
पता नहीं शाहू ने हमें कहाँ फेंक दिया है, यूं ही चलते रहो। मैं तो थक जाऊंगी ऐसे, आखिर कब मिलेगी तुम्हारी ओलिविया? कुछ दिन और सुजुका। तभी वीर की नज़र एक गुफा पर जाती है जिसमें से किसी शेर की दहाड़ आ रही है। यहाँ कोई शेर है? हाँ चलकर देखते हैं। पागल हो, बराबर से निकल जाते हैं। ध्यान से देखो, बराबर से कोई रास्ता ही नहीं है। ओह तो वापस पीछे चलते हैं। मैं वापस नहीं हटूंगा, मैं गुफा के अंदर जाकर ही रहूंगा। सुजुका पीछे मुड़कर देखती है तो आश्चर्यचकित हो जाती है। वीर जल्दी देखो, हम अभी तो यहाँ से आए हैं, ये दीवार किसने बना दी? अचानक से इस दीवार का बन जाना संकेत देता है कि हम वापस नहीं जा सकते और हमको इस गुफा में जाना ही होगा। जब यहाँ तक आए हैं तो कुछ कठिनाइयों के आ जाने से हम रुक नहीं सकते हैं। तो चलो गुफा में चलते हैं। सुजुका वीर का हाथ पकड़ लेती है और दोनों गुफा में जाते हैं। गुफा में एक भूखा शेर पहले से ही खड़ा है। शेर बहुत बड़ा है और उसकी आंखें मोटी मोटी हैं। वह वीर और सुजुका को गुस्से से देख रहा है। देखो शेर जी, तुम कोई मायावी शेर हो, ये तो हम जानते हैं। तो तुम अब हमें जाने दो। तुमने बिल्कुल सही पहचाना, लेकिन पहले तुम्हें मुझसे लड़ाई करनी होगी। जब तुम सब जानते हो तो लड़ाई क्यों करनी है? क्योंकि मुझसे होकर ही तुम्हारे मंजिल का रास्ता जाता है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। यदि तुम जिंदा बचे तो आगे जा सकते हो। आगे तो कोई रास्ता ही नहीं दिखता। कुछ समय बाद सब समझ आ जाएगा। शेर वीर पर झपट्टा मारता है और वीर भी बदले में जवाब देता है। बहुत देर तक वीर शेर का मुकाबला करता है, लेकिन कुछ समय बाद वीर घायल हो जाता है और एक तरफ गिर जाता है। शेर सुजुका पर झपट्टा मारने के लिए अपने दोनों पैर उठाकर छलांग लगाता है। वीर शेर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी शेर अपने मुंह को बहुत बड़ा खोल लेता है और वीर और सुजुका को एक साथ निगल जाता है। शेर के मुंह से वीर और सुजुका एक जगह जाकर गिरते हैं और उठकर देखते हैं कि सामने ओलिविया खड़ी है। कहानी जारी रहेगी। दोस्तों हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आगे के एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पापा टीवी को और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा।